नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में चाउमीन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम सभी की पसंद होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और किरण्स किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं चाउमीन बनाना। चाउमीन बनाने के लिए मैंने छोटे साइज़ की एक पत्ता गोभी कट करके रखी हुई है। शिमला मिर्च एक मीडियम साइज़ की ली है, 1/4 मैंने लाल शिमला मिर्च ली है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और हरी प्याज थोड़ी सी मेरे पास थी तो मैंने उसे भी ले लिया है, और जो नूडल्स बाज़ार में मिलते हैं वो मैंने ये 2 नूडल्स लिए हैं, जो कि 150 से 250 ग्राम के करीब होंगे। 2 हरी मिर्च बारीक काट कर रखी हुई है, 7 कली लहसुन की बारीक बारीक काट कर रखी हुई है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा भी हमने कट करके रखा है, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ये 3 हम मसाले डालेंगे, और टोमेटो सॉस, सोया सॉस और विनेगर। सबसे पहले हम पानी गर्म करने रख देते हैं। ये मैंने 1.5 लीटर पानी रख दिया है, जो कि अच्छे से उबल गया है। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, ताकि हमारे नूडल्स में अच्छे से नमक का टेस्ट आ जाए। मैंने नूडल्स को बीच में से 2 पीस में तोड़ दिया है। इसे उबल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, 3 से 4 मिनट तक हमें उबालना है, जब तक कि ये सॉफ्ट न हो जाए। हमारे नूडल्स ये ऊपर तैर कर आ गए हैं, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। ये नूडल्स हमारे हमने इस पानी में छन्नी में रख के और बड़े भगोने के ऊपर छन्नी रख दी थी, वो पानी निथर गया है। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं। ताकि इसकी चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं रहेगी। ये हम देख सकते हैं कि नूडल से हाथ से करने में टूट रहा है, मतलब हमारा नूडल अच्छे से बन गया है। अब हम इसे एक थाली में अच्छे से फैला के रख देंगे। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच छोटे साइज़ के जो हैं उससे तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाउमीन बनाने के लिए हमें फ्लेम हाई ही रखना है, उसे लो या मीडियम पर नहीं रखना है। इसे 1 मिनट में लहसुन हमारा हो जाएगा अच्छे से। बस सिर्फ कच्चा न लगे, इतना सा ही इसे हमें सेकना है। अब हम इसमें प्याज, शिमला मिर्च और स्प्रिंग ऑनियन डाल लेते हैं। और इसे भी हम 2 मिनट तक चला लेंगे। फ्रेंड्स, इस पे सब्जियां तो जितनी आप पसंद करें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, टेस्ट पसंद अच्छा लगता है। इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से अच्छे से इसे भून लिया है। मैंने पत्ता गोभी भी इसमें डाल दी है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ मैं, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा।
एक तिहाई चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से चाउमीन का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और सब्जियों के ही हिसाब से हम इसमें नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हमने नूडल्स में नमक डालकर ही उबाला है। तो ये एक तिहाई चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और चिली सॉस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो आप आराम से उसमें डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस और टोमेटो सॉस। अच्छे से बना लेंगे। इसमें हम नूडल्स डालकर अच्छे से हिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नूडल्स बनकर तैयार हैं। कितने बढ़िया नूडल्स बने हैं आप देख सकते हैं। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी नूडल्स वाली रेसिपी भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।